लॉ ऑफ 8 मार्क्स चैप्टर है, एक सम आएगा 2 मार्क्स का आएगा, एक 2 + 2 + 4, एक 2 मार्क्स का आएगा, एक 2 मार्क्स का आएगा और एक 4 मार्क्स का आएगा। टोटल 3 क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से, ठीक है। तो लॉग का फॉर्मूला आपको बताएंगे, कंसेप्ट बताएंगे आपको हम, और इसके बाद देखिए बहुत सारे एमसीक्यू है इस चैप्टर में, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो लॉग का कंसेप्ट देखिए पहले, जैसे 2 पेपर 5 इसका लॉग कितना दिया हुआ है 32, तो इसका अगर लॉग निकालेंगे, इसको अगर लॉग में कन्वर्ट करेंगे, ये क्या बताइए आपका बेस है, और ये क्या बताइए आवर है, और ये क्या बताइए वैल्यू है। तो इसको अगर लॉग में चेंज करेंगे तो लॉग बेस 2 हो जाएगा और 32 पावर यहाँ पे आ जाएगा, समझ गए, बेस यहाँ पे आ गया बेस और ये पावर यहाँ पे चला गया और ये हो गया वैल्यू, समझो कौन सा कहाँ जा रहा है। एक आप लोग करिए, जैसे 10 स्क्वायर इसका 200 दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट करिए लॉग में, इसको लॉग में कन्वर्ट करिए, तो लॉग बेस 10 100 इस तरह से हो जाएगा, समझे सको। हेलो, हाँ तो बोल दो ना, क्लास हम तो क्लास में हूँ। वो यहाँ था, इसके बाद देखिए मतलब जो भी रहेगा बेस यहाँ पे आएगा, देखिए पावर कहाँ पे जाएगा, देखिए पावर कहाँ पे जाएगा, देखिए वैल्यू कहाँ जाएगा, देखिए कौन सा कहाँ जाए, समझ एक आप लोग करिए, 10 0 स्क्रू 1 इसको लॉग में चेंज करिए, इसको लॉग कर लो, इसको लॉग 10 1 = 0, हो गया ना। देखिए 10 0 = 1 है, log 10 हो गया, बेस 1 = 0 आ गया, इसका बताइए 10³ अगर है 1000, log 10 1000
चलो थ्री, इसके बाद देखिए ना ठीक है यहाँ तक। तो अगर 5 स्क्वायर 25 है, log 5 25 इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। बोलो डाउट किसी को, हेलो ठीक है, आपको डाउट बोलिए किसी को। अब रिवर्स करिए हाँ, जैसे लॉग आपके पास है, लॉग 2 5 32, तो इसको इंडिसेस में कन्वर्ट करिए, तो 2 बेस चला गया, यहाँ पर तो मिस्टेक होगी क्वेश्चन में। तो यहाँ पे 2 पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पे बोले पावर कितना हो गया 5, ये पावर में आ गया 30, समझ गया था। ये बेस में आएगा, ये कहाँ पे आएगा बेस, ये कहाँ पे जाएगा पावर, लॉग 381 इक्वल टू एक्स, फाइंड करिए एक्स, ट्राई करिए इसको आप लोग, बोले कितना है एक्स का वैल्यू। पहले इसको इंडेक्स में कन्वर्ट करिए, 3 बेस हो गया पावर एक्स 81, ठीक है। हो गया था, तो 81 मतलब कितना हो गया बताइए, 3 पे पावर 4, तो x कितना हो गया बताइए फिर, 4, समझे कैसे करना है। अगर मान ली log x 125 इक्वल टू 3, फाइंड करिए x, बोलिए अंकित शर्मा को डाउट आपको, अगर कोई डाउट है तो अनम्यूट कर सकते हैं आप अपने आप को, अगर कोई डाउट है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं आप। अंकित शर्मा डाउट है आपको, हेलो 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 डॉक्टर किसी को बोलिए, MCQ है आप जैसे करना करिए, ठीक है ना, डायरेक्ट भी हो जाएगा आपको जैसे करना करिए, लेकिन कंसेप्ट तो समझना पड़ेगा आपको, ये सब तो बेसिक नॉलेज की बात है आपको भी हम, ठीक है। जैसे एक्स हो गया यहाँ पे, बेस क्या हो गया बताइए एक्स, इसका आंसर कितना होगा बताइए आप लोग, व्हाट्सअप करिए चैट में भेजिए इसका आंसर, लॉग एक्स 125 एक्स कितना होगा बताइए, बोलिए इप्सिता अंकित समृद्धि साक्षी आर्यन एक्स का वैल्यू कितना आएगा,
फाइव आएगा, जैसे यहाँ पे एक्स है और ये थ्री है, 125 तो 5 की पावर क्यूब हो गया, तो दोनों का पावर सेम है तो बेस भी क्या हो जाएगा, फिर सेम हो जाएगा, समझ गए। एक और करिए, लॉग 2 एक्स, फाइंड करिए एक्स, और तीन टाइप का समा सकता है, जैसे बेस नहीं दिया रहेगा तो बेस निकाल लीजिएगा, वैल्यू नहीं दिया वैल्यू निकाल लीजिएगा, पावर नहीं दिया तो पावर निकाल लीजिएगा, तो 2 पे पावर x, 2 पे पावर 3, तो एक्स इतना हो गया, बताइए ये आंसर हो गया। तो तीन टाइप का समा सकता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूले अच्छा देखिए, पहले एक कैसा समझिए, जब 10 to power 0 होता है 1 होता है, तो log 10 1 इस पर कितना हो जाएगा 0, और 10 to power 1 कितना होता है बताइए, 10 log 10 10 is equal to 1। डाउट इसमें बोलिए, ये इंडिसेस है, इसको लॉग में कन्वर्ट करना है, तो बेस बेस भी जाएगा और वैल्यू जो है सामने आ जाएगा और ये पावर यहाँ पे आएगा, तो लॉग एक्चुअल में क्या है बताइए, पावर है, लॉग एक्चुअल में क्या है, पावर जो निकालते हैं ना वही लॉग है आपका, ठीक है। तो देखिए फॉर्मूला लिखिए आप लोग, तो इसमें इंडिसेस का फॉर्मूला लगेगा, जो इंडिसेस का फॉर्मूला था लॉग एम प्लस लॉग एम एन अगर है मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इंडिसेस में क्या होता है, पावर अगर मल्टीप्लाई होता है तो जैसे 2 पावर 5 × 2 पावर 7, तो 5 + 7 होता है कि नहीं, तो पावर क्या होता है ऐड हो जाता है, तो वही कंसेप्ट इसमें भी है। तो जो लॉग है एक्चुअल में क्या है, पावर है, इंडिसेस में जस्ट नहीं करते हैं 2 पावर 5 × 2 पावर 7, तो 5 + 7 होता है ना, तो पावर क्या होता है ऐड हो जाता है, तो पावर क्या हो जाएगा बताइए, मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, समझ गया सर। अगर 3 नंबर आएगा तो वैसे ही होगा, लॉग एम एन पी, लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग पी, समझ गया, तो मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा बताइए, प्लस हो जाएगा। सेकंड देखिए, लॉग एम बाय एन, लॉग एम माइनस लॉग एन, तो डिवाइड में क्या हो जाएगा बताइए, माइनस हो जाएगा। थर्ड देखिए, लॉग एम पावर एन, एन लॉग एम हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा प्लस, जैसे इंडिसेस में नहीं होता है मल्टीप्लाई में क्या होता है प्लस होता है, पावर क्या होता है ऐड होता है, और डिवाइड में क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। और लॉग एम टू पावर एन,
तो पावर सामने आ जाएगा, एन लॉग एम हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट लिखिए, लॉग वन का वैल्यू कितना आएगा बताइए, जीरो, एनी बेस कोई भी बेस हो। और अगर दोनों सेम रहेगा तो, अगर दोनों सेम रहेगा तो उसको आप कन्वर्ट करके करेंगे तो वही वन आएगा, ए पेपर वन इजकल टू ए। उसके बाद लॉग ए बी को अगर उल्टा करेंगे लॉग बी हो जाएगा, नीचे लाएंगे ना तो उल्टा हो जाएगा, मतलब ए बी था ना पहले, तो ए नीचे आ जाएगा, ए बी था बी नीचे आ जाएगा, ए सामने आ जाएगा, लॉग ए बी इक्वल कितना हो जाएगा, वन बाई लॉग बी ए। ठीक है, इसके बाद लॉग ए बी का ऐसे ले सकते हैं लॉग बी बाय लॉग ए। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, चेंज ऑफ बेस। तो लॉग एम एन का क्या हो जाएगा, एन लॉग एम, लॉग वन का जीरो, अगर दोनों सेम रहेगा तो वन, लॉग ए बी का वन बाय लॉग बी ए या लॉग बी बाय लॉग ए। ठीक है, उसके बाद देखिए बस फॉर्म में इतना ही है, इसके बाद हम लोग आ रहे हैं एग्जांपल में आ रहे हैं। समझ गए फॉर्मूला, तो लॉग ए बी का कितना हो जाएगा, लॉग बी बाय लॉग ए। अच्छा नेचुरल बेस क्या होता है, देखिए जो नेचुरल बेस होता है ना, मतलब कुछ लिखा हुआ नहीं है, नेचुरल बेस क्या होता है ई, और कॉमन बेस क्या होता है देखिए, जो लॉग टेबल में काम आता है, लॉग टेबल में बेस कितना लिया हुआ है बताइए, 10 लेके बनाया हुआ है, जो लॉग टेबल है उसमें बेस कितना लिया हुआ है, 10। ठीक है, तो जैसे देखिए लॉग 5 125 x है, तो एक ऐसे की थे पहले आप, और दूसरा ऑप्शन भी है लॉग 5, कैसे सकते हैं लॉग 5 पेपर क्यूब, क्यूब कहाँ आ जाएगा बताइए, फिर क्यूब सामने आ जाएगा लॉग 5 3 दुगना कितना आएगा, 3 आ जाएगा। देखिए तो आप फॉर्मूला भी कर सकते हैं, लॉग 5 दोनों सेम इक्वल वन हो गया,
थ्री इंटू वन कितना हो गया, थ्री हो गया। तो लॉग फाइव 625 है मान लीजिए, तो लॉग फाइव बाई फोर, तो फोर सामने आ जाएगा। तो बिना एक्स के भी कर सकते हैं आप, एक्स लेके भी कर सकते हैं आप, बिना एक्स से भी हो जाएगा। समझ गए। इसके बाद देखिए लॉग टू प्लस लॉग फाइव कितना हो जाएगा, करती है अगर बेस टेन है मान लीजिए, आंसर आएगा सर ठीक है। लॉग प्लस लॉग फाइव कितना हो जाएगा, लॉग मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब कितना हो गया बताइए, लॉग टेन टेन कितना आ गया, वन आ गया। समझे ऐसा करना है, बोलिए। अगर मान लीजिए लॉग टेन माइनस लॉग टू कितना आएगा बताइए, लॉग टेन बाई टू लॉग फाइव। तो डिवाइड में क्या हो जाएगा, देखिए माइनस में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। लॉग टेन माइनस लॉग टू कितना हो जाएगा बताइए, लॉग टेन बाई टू लॉग फाइव आ जाएगा। ठीक है, फिर लॉग अगर यहाँ पे लॉग टेन टेन है दोनों इक्वल है तो कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। लॉग कोई बेस हो, लॉग वन क्या हो जाएगा, हमेशा जीरो हो जाएगा। तो समझ में आते हैं हम लोग, ठीक है। डाउट किसी फॉर्मूले में बोलिए आप लोगों, बोलिए। कोई डाउट किसी को, हेलो समझ में है आप लोग। तो वन नंबर सम देखिए, पहले ट्राई करिए आप लोग, वन टू थ्री फोर चार सम ट्राई करिए आप लोग। आप लोग को हम दे रहे हैं 5 मिनट्स, हर एक सम के लिए 1 मिनट, आप 4 मिनट दे रहे हैं आपको हम सॉल्व करने के लिए। टू नंबर से स्टार्ट है इसमें, तो टू थ्री फोर फाइव करिए, ट्राई करिए, आपको हम दे रहे हैं 5 मिनट, ठीक है। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, लॉग टेन टू कितना दिया हुआ है, एक्स लॉग टेन फोर कितना दिया हुआ है, लॉग टेन एट्टी कितना हो जाएगा, लॉग टू इंटू फोर इंटू एट, टू इंटू फोर इंटू टेन, तो मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा सब प्लस हो जाएगा। तो लॉग टेन टू हो गया, लॉग टेन फोर हो गया, लॉग टेन टेन हो गया, लॉग टेन टू का एक्स हो गया, लॉग टेन फोर का वाई हो गया, और लॉग टेन टेन का वन हो गया। तो आंसर क्या हो गया, एक्स प्लस वाई प्लस वन। इसका बताइए एच कल दिया हुआ, बी स्क्वायर एच कल टू सी क्यूज कल डी फोर। क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन क्या देखिए, एच कल टू बी स्क्वायर एच कल टू सी क्यूब इसकल टू डी सी स्क्वायर डी क्यूब, फाइंड करना आपको लॉग ए ए बी सी डी, ठीक है। तो कैसा आएगा देखिए, तो एच कल टू बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ए पावर वन है, तो बीच का कितना हो जाएगा फिर, ए पावर वन टू, पावर को इधर लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। जैसे टू स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, फोर होता है ना, तो फोर तो पावर वन कितना है, टू स्क्वायर है, ये ऐसा कर सकते हैं ना। टू स्क्वायर कितना हो जाएगा बताइए फिर, फोर पे पावर, पावर इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, पावर इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, पावर इधर आएगा तो डिवाइड नहीं जाएगा, फोर में पावर वन बाई टू कितना आएगा, टू आएगा नहीं आएगा बोलिए। तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए है, तो ए इक्वल टू ना हो गया बी, ए पे पावर वन बाई टू, और सी सी क्यू कितना बताइए, ए है तो सी कितना हो जाएगा फिर, वन बाई थ्री, और डी का भी वैसे ही
डी टू पावर कितना होती है, फोर इज टू ए, तो डी कितना हो जाएगा, ए टू पावर 1/4। सबको ए में कन्वर्ट कर रहे हैं, सबको ए में कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं बताइए, क्योंकि बेस क्या है क्वेश्चन में, क्या दिया है क्वेश्चन में, लॉग बेस ए दिया हुआ है, क्वेश्चन में लॉग बेस कितना दिया हुआ है, सबको ए में कन्वर्ट कर लीजिए ठीक है। तो बीस का स्क्वायर रूट ए पावर 1 है, तो बी कितना हो गया ए पावर 1/2, सी कितना हो गया ए पावर 1/3, और डी कितना हो गया ए पावर 1/4। देख के समझ में आ रहा है आंसर क्या आने वाला है। लॉग ए ए बी सी डी, तो लॉग ए ए, लॉग ए बी, लॉग ए सी, लॉग ए डी। लॉग ए का कितना हो गया बताइए 1। अब इसका देखिए लॉग ए बी मतलब कितना हो गया बताइए, ए पे पावर 1/2। सी मतलब कितना हो गया, लॉग ए पे पावर। और आपको जब आंसर समझ में आ जाए तो आप सॉल्व मत करिएगा आगे एग्जाम में, हेलो, जब आपके पास ऑप्शन है आपको देख के लग रहा है आंसर क्या आने वाला है, जहां आपका आंसर समझ में आ जाए कि क्या आने वाला है तो वहीं भी स्टॉप हो जाएगा, पूरा लास्ट तक जाने की जरूरत नहीं है, ये एमसीक्यू है। 1/2 सामने आ जाएगा, लॉग ए का 1 हो गया, 1/3 सामने आ जाएगा, 1/2 ये आंसर हो गया, इसमें कोई रॉन्ग तो नहीं है, समझे कैसे करना देख लीजिए। नेक्स्ट देखिए, इलेवन इलेवन कर चलिए, अपने इलेवन ट्वेल्व करिए, इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन चार सम करिए चलिए। अच्छा ठीक है, पावर सही कर लीजिए ठीक है, टेन क्वेश्चन कट कर लीजिए थोड़ा सा, टेन नंबर का क्वेश्चन है ना, यहाँ पे ए स्क्वायर क्या है, बी स्क्वायर कर सी की स्क्वायर डी फोर, यहाँ पे ऐसे होगा क्वेश्चन में थोड़ा रॉन्ग है, सही कर लीजिएगा उसको, ए स्क्वायर टू बी स्क्वायर स्क्वायर टू सी की स्क्वायर डी फोर होगा वहाँ पे, हाँ हो गया था आप सबका। चलिए इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन चार सम करिए आप लोग, आप लोग हम दे रहे हैं 5 मिनट्स, पहले 11 करिए, 11 एकदम सिंपल है, उसके बाद 12 करिए, उसके बाद 13, उसके बाद 14, चारों समय जैसे ही है, ट्राई करिए, आपको 5 मिनट दे रहे हैं। ट्राई करिए, कौन कौन सा बताइए, 11, 12, 13, 14, चार का कंसेप्ट एक जैसा ही है ठीक है ना, ट्राई करिए। देखिए लॉग टेन एट है यहाँ पे, और लॉग टेन एट होने कितना हो गया, होती है 2 क्यूब हो गया, तो 3 सामने आ जाएगा, लॉग टेन टू, लॉग टेन टू का वैल्यू कितना है, फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको 3 से, तो आंसर कितना है 903 आ गया, समझ गए। लॉग 45 कितना हो जाएगा बताइए, 45 कितना हो गया, 3 स्क्वायर 9 × 5, लॉग 5 निकालना पड़ेगा आपको, लॉग 5 का वैल्यू आपके पास नहीं है, तो लॉग 5 निकालना पड़ेगा आपको पहले, तो 12 नंबर हम सॉल्व कर रहे हैं आपको ठीक है, देखिए 12 नंबर देखिए, लॉग 10 45 मतलब कितना हो गया, लॉग 10 45 है ना,
बेस हमेशा 10 होता है लॉग टेबल का, अगर लॉग टेबल का बेस हमेशा क्या होता है 10, तो ठीक है, तो लॉग 45 में कितना होगा बताइए, 3 स्क्वायर इंटू 5, तो 2 log 3 हो जाएगा, log 3 स्क्वायर हो गया इसका, प्लस कितना हो गया log 5, तो 2 सामने आ गया, 2 log 3 प्लस कितना हो गया log 5, तो log 5 निकालना पड़ेगा आपको, तो log 5 कितना आएगा बताइए आप, log 10/2, ठीक है, log 10 - log 2, log 10 - log 2 हो गया, तो log 10 का वैल्यू कितना हो गया 1, और log 2 का वैल्यू कितना बताइए 0. log 2 का वैल्यू है ना आपके पास 0.3030, 0.699, ठीक है। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए, log 3 का वैल्यू है आपके पास, log 5 का भी आपके पास है, तो log 3 कितना हो गया बताइए, log 3 कितना हो गया 0. log 3 आपका 0.4771, log 5 कितना 0. सॉल्व कर लीजिए इसको, कितना आंसर आ रहा है ऐड करने के बाद, इसको मल्टीप्लाई करिए पहले 0.4771 × 2 प्लस कितना करें 0.699, तो 1.65 फीट हो, 1.65, समझ गए यहाँ तक। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद कोई डाउट उसको बोलिए, तो log 45 आपके पास है, 3 स्क्वायर इंटू 5 हो गया, तो 3 स्क्वायर में कितना 2 log 3 प्लस log 5 हो गया, ठीक है, ओल्ड बुक का जो 17 है वो अलग है, ठीक है, वो बताएंगे आपको, अलग फॉर्मूला है, ये हो गया log 45। 13 बताइए कितना होगा बताइए, 13 में देखिए यहाँ कितना log 105 है, log कितना 105 है, log 105 में कितना होगा बताइए, 13 देखिए log 105 है ना, तो log 105 कितना होगा 3 × 5 × 7, ठीक है, तो 3 + 5 + 7 हो जाएगा इसका, कितना हो जाएगा बताइए, log 3 + log 5 + log 7 का वैल्यू कितना है, log 3 का वैल्यू है log 5, अभी आपने कहा था ना 0.699, और लॉक 7 आपके पास है, इन्हों क्या करिए फिर ऐड कर दीजिए बस, समझ गए, बोले कोई डाउट इसमें, तो log 3 + log 5 + log 7, तो log 3 आपके पास है, log 5 आपके आप निकाल चुके हैं अभी, और log 7 आपके पास है, log 12 कितना है बताइए, log 4 × 3, मतलब log 4 + log 3 हो जाएगा बस, ठीक है, डाउट से बोलिए, पढ़ी हो गया, log 4 × 3 हो गया, तो 4 × 3 में कितना हो गया बताइए, फिर 4 × 3 कितना हो गया बताइए, 4 × 3 log 4 + log 3 हो गया, तो मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा फिर, प्लस हो जाएगा बस,
उसके बाद देखिए फिफ्टीन में पढ़िए। देखिए लॉग ए बी इंटू कितना है लॉग बी सी लॉग सी डी लॉग डी ए। इसको ऐसे सकते हैं लॉग ए बी मतलब क्या हो गया लॉग बी बाई लॉग ए। चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला चेंज ऑफ बेस लास्ट फॉर्मूला नहीं बताया आपको हम सबसे लास्ट वाला फॉर्मूला चेंज ऑफ बेस से लॉग बी बाई लॉग ए इसका कितना हो जाएगा बताइए लॉग सी बाई लॉग बी इसका कितना आएगा लॉग डी बाई लॉग सी और इसका लॉग ए बाई लॉग डी। लॉग ए कैंसिल हो गया लॉग बी कैंसिल हो गया लॉग सी कैंसिल हो गया लॉग डी कैंसिल हो गया सब कैंसिल हो गया लास्ट में कितना बचेगा फिर समझ गया तक बोलिए। ओल्ड बुक में है 21 नंबर ही समझिए को डाउट बताइए 15 नंबर में हो गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है 16-17 देखिए जैसे एक हम बताते हैं आपको और 18 में क्या है ऐसा मल्टीप्लाई हो जाएगा तीनों क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो तीनों अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो तीनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आएगा लॉग वन आएगा तो आंसर कितना आएगा लॉग वन का तीनों मल्टीप्लाई हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर नीचे भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर सब कट जाएगा ठीक है तो आंसर कितना आएगा इसका वन आएगा फिर 16 का आपको 19 में क्या है ऊपर जाएगा ना ये 1 बाई लॉग ए बी बाई एक्स है तो ऊपर जाएगा तो कितना आएगा लॉग एक्स ए बाई बी ऐसे आ जाएगा ये और इसका लॉग एक्स बी बाई सी इसका लॉग एक्स सी बाई ए तो सब कैंसिल हो जाएगा इसका भी तो लॉग एक्स 1 हो जाएगा तो लॉग वन वाला कितना होता है बताइए समझे आप लोग इसके बात करिए क्वेश्चन कौन सा बताइए 16 का आ रहा है आपको 16 में ही है लॉग टू लॉग टू लॉग टू 16 16 में पढ़िए आप लोग लॉग टू log 2 16 समझ क्वेश्चन दिया है log 2 log 2 log 2 16 तीन बार log 2 है उसको ऐसे सकते हैं log 2 log 2 16 कितना है टोटल पावर 4 अब 4 कहां आएगा बताइए फिर 4 सामने आ जाएगा तो कितना बचेगा बताइए फिर log 2 log 2 4 log 2 2 अब log 2 2 का वैल्यू कितना हो गया बताइए log 2 का वैल्यू 1 हो गया फिर ये 4 का क्या होएगा बताइए log 2 log 2 2 स्क्वायर फिर 2 कहां आ जाएगा बताइए 2 तो log 2 log 2 log 2 2 1 2 1 आंसर कितना आ गया बना के समझा सकते हैं लॉग टू 16 में 2 है 4 4 सामने आ गया फिर लॉग टू 4 लॉग टू का 1 हो गया फिर 4 का 2 स्क्वायर हो गया फिर 2 सामने आ गया लॉग टू 2 1 टू 1 कितना आंसर आ गया ये मेरा आंसर आ गया ठीक है 17 वैसे ही है तो 19 नंबर आपको होमवर्क रहेगा इसके बाद हम लोग कल करेंगे कंटिन्यू परसों ठीक है
तो अभी पीएल अप्रो क्लास है, 5 मिनट 10 मिनट में स्टार्ट हो, 10 मिनट के अंदर स्टार्ट होगा। पीएल अप्रो इनका मिस हो गया, आप 12 के बैच के साथ कर सकते हैं, सेम सिलेबस है दोनों का, क्वेश्चन सब कॉमन है, मतलब एक्स्ट्रा ही क्वेश्चन है, 12 के बुक में ज्यादा क्वेश्चन है क्योंकि 11 12 के बुक स्टूडेंट ज्यादा सीरियस होते हैं पढ़ाई में आप लोग से, समझ गए। तो उन लोग के बुक में जो आपका बुक का क्वेश्चन है वो तो है ही, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी है और पूरा कंसेप्ट भी है इसमें, फॉर्मेट भी है, कंसेप्ट भी है, ठीक है। अभी नया नया बुक बना है तो बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है बुक में, ठीक है। तो आप लोग को पीडीएफ भेजे थे हम, तो 10 मिनट बाद क्लास स्टार्ट होगा, तो 90 नंबर का होमवर्क रहेगा आपका। देखिए लॉग में क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन है, देखिए ओल्ड बुक में है 70 नंबर, तो उसको नए बुक में एज एग्जांपल कर लेते हैं। लॉग 8 25 निकालना आपको, ठीक है। और आपको दिया हुआ है log 10 2 दिया हुआ है 0.3010, ठीक है। तो कैसा हुआ देखिए, तो log 8 25 का बेस चेंज करिए, पहले log 25 log 25 डिवाइड बाय क्या करिए, log 8, अब बेस क्या ले लीजिए 10, चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला से, कौन सा फॉर्मूला से बताइए, चेंज ऑफ बेस, ठीक है। अब log 8 का वैल्यू कितना आएगा बताइए, log 2 क्यूब 3 log 2 3 इंटू 0.3010 0.903। और log 25 कैसा आएगा देखिए, log 5 स्क्वायर 2 log 5, log 5 कितना देखिए, इसके बाद log 5 लोगों को लास्ट क्लास बता देना, log 5 कैसा आएगा देखिए 0.699, log 5 हम बताए थे लास्ट क्लास में आपको, ठीक है। log 5 कैसा आया था, log 10 by 2, log 5 कैसा आया था, log 10 by 2, log 10 minus log 10 मिल कितना होता है 1 minus 0.301, ठीक है। आ गया वैल्यू सबका, log 8 का वैल्यू आ गया, log 25 आ गया, दोनों डिवाइड कर दीजिए तो आ जाएगा आंसर। ठीक है, था बोलिए, ये देखिए ओल्ड बुक में है क्वेश्चन 17, न्यू बुक से, न्यू बुक में नहीं है। तो log 8 25 निकालना है आपको, log 10 2 कितना दिया 0.3010, तो log 8 25 कितना आ जाएगा देखिए, log 25 by log 8, log 8 कैसा आएगा फिर, log 2 का क्यूब हो जाएगा, log 25 कैसा आएगा बताइए, 5 स्क्वायर हो जाएगा, 2 log 5 हो जाएगा, और इसके बाद तो 2 इंटू log 5 कितना 0.699, 1.398, और log 5 कितना 10 by 2, तो log 10 minus log 2, 1 minus 0.01, 0.699, वैल्यू पुट कर दीजिए बस, ठीक है।
इसके बाद देखिए कितना आंसर आ गया, बताइए अब log 25 कितना हो गया, 1.398 डिवाइड बाय 0.903, 1.398 डिवाइड बाय 0.903 कितना है, डिवाइड बाय 1.398 डिवाइड बाय 0.903, 1.548 ठीक है। और देखिए नेक्स्ट, ओल्ड बुक में क्वेश्चन 25 नंबर है, न्यू बुक में हटा दिए हैं, आता नहीं इस टाइप का समाज को। लॉग टू, लॉग थ्री, लॉग टू एक्स, कितना दिया बताइए, 1 ठीक है। ठीक है, ये बेस है आपका, 2 क्या बताइए आपका बेस है, और ये क्या आपका पावर है, और ये क्या बताइए आपका वैल्यू है, तो इसको इंटीग्रल कन्वर्ट करिए, लॉग तो बेस कितना हो गया बताइए 2, पावर कितना हो गया 1, इंटीग्रल कितना हो गया लॉग 3, लॉग 3 लॉग 2 एक्स, समझ गए, मैं लॉग 3 लॉग 2 एक्स कितना हो गया बताइए इसका 2, तो ये बेस हो गया आपका, और ये क्या हो गया बताइए आपका पावर, 3 पे पावर 2 लॉग 2 एक्स कितना आएगा बताइए, 3 स्क्वायर हो जाएगा 9, फिर वैसे ही ये 2 क्या हो गया बताइए आपका बेस, पावर कितना हो गया 9, तो एक्स कितना हो गया बताइए 500, इस तरह से हो जाएगा ठीक है। देखिए log 2 log 3 log 2 x है, इसका लू बनती है पूरा ब्रैकेट में समझ लीजिए, ये आपका 2 बेस हो गया, ये पावर हो गया, ये क्या हो गया पूरा वैल्यू हो गया, तो 2 पे पावर 1 इक्वल कितना आएगा log 3 log 2 x, log को हम लोग कन्वर्ट करें इंडिसेस में, फिर log 3 log 2 x कितना हो गया 2, ये 3 बेस हो गया, 2 क्या हो गया आपका पावर हो गया, तो log 2 x कितना हो गया 9, फिर 2 पे पावर 9 कितना हो गया x, तो x कितना हो गया 512। और बोले को डाउट आप लोगों 90 नंबर तक में हो गया, आप लोगों बोले अंकित शर्मा, इप्सिता, प्रांजल, साक्षी, और बोले होमवर्क में राउंड है लोगों, सब लोग होमवर्क दिए थे उसमें किसी में राउंड है, बोले अंकित, साक्षी, इप्सिता, प्रांजल, जो होमवर्क आप लोग दिए थे वहां पर राउंड है किसी को, नेक्स्ट देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 से देखिए, नाइनटीन तक में डाउट नहीं ना, देख लीजिए आप लोग 20 में आइए, नाइनटीन तक हो गया सबका, 20 नंबर देखिए ओल्ड बुक में है, 29 नंबर है ओल्ड बुक में, देख 20 में पढ़िए, log 2x प्लस कितना देखिए यहाँ पे log 4x
प्लस कितना है लॉग 16x 21/4। ठीक है, पहले सबको कन्वर्ट करिए, सबका बेस अलग अलग देखिए, एक का बेस कितना है 2 है, एक का बेस 2 है, एक का बेस 4 है, एक का बेस 16 है, तो सबका बेस चेंज करिए, पहले उल्टा कर दीजिए सबको, ऊपर नीचे आ जाएगा कितना हो जाएगा लॉग, उल्टा हो जाएगा, समझ गए, मुझे बताना नहीं सर आपको, 1/log x2 हो जाएगा यहाँ पे, फिर प्लस का साइन आएगा, 1/log x4 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ये, 1/log 16 हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अभी क्या होगा देखिए, इसके बाद 1/log x2 और यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और 1/log x/4 हो जाएगा, पावर पावर सामने आ जाएगा, 1/log x2 1/2log x2 1/4log x2। ठीक है, अब लॉग एक्स टू सब में कॉमन आ जाएगा, यहां देख लीजिए आप लोग, यहां तक फटाफट देखिए, पहले तो लॉग एक्स टू 1/log x2 हो गया, ये 1/log x4 हो गया, 1/log x16 हो गया, 1/log x2 1/log x2 का स्क्वायर हो गया, 1/log x2 का 4 हो गया, फिर इसका 1/log x2 सब में कॉमन आ गया, यहाँ कितना बचा फिर बताइए, 1/log x2 क्या आ गया आपका, कॉमन आ गया, कितना बचा आपके पास बताइए, 1/1 फिर 1/2 1/4 1/log x2 कॉमन आ गया, ऐसे 4 आ गया, 4/1 कितना हो गया 4/2+1। ठीक है, 1/log x2 इंटू कितना हो गया यहाँ पे, और इसका वैल्यू दिया कितना क्वेश्चन में, इसका वैल्यू कितना दिया क्वेश्चन बताइए, 21/4। अब उल्टा हो जाएगा ये, अच्छा लॉग एक्स टू उल्टा कितना हो जाएगा, लॉग एक्स टू को उल्टा लॉग 2x और इंटू कितना हो गया 4/7 3 हो गया यहाँ पे, 2 बेस हो गया, 3 क्या हो गया पावर हो गया, एक्स कितने से लगे एक्स 8। ठीक है, बोलिए डाउट है किसी को, हो गया सब, हो गया तो डॉक्टर से बोलिए इसमें,
शिवा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा देखिए 22 21 होमवर्क रहेगा 21 सेम क्वेश्चन है ठीक है क्या रहेगा बताइए आपका होमवर्क 22 पढ़िए ओल्ड बुक में है 31 नंबर देखिए कौन सा क्वेश्चन है 22 एक्स पावर कितना बताइए यहाँ पे लॉग वाई माइनस कितना है लॉग जेड वाई पावर कितना बताइए लॉग जेड माइनस लॉग एक्स और जेड पावर कितना है लॉग एक्स लॉग वाई x पर log y माइनस log z, y पर log z माइनस log x और z पर कितना log x माइनस log y तो कैसे करेंगे इसको इसको टू के ले लीजिए ये ले लीजिए लेट कर लीजिए इसको इसको a एज्यूम कर लीजिए और टेकिंग log बोथ साइड दूसरे के लीजिए log इस एग्जाम में क्या करेगा पूरा लिखना जरूरी नहीं है जैसे log x पावर कितना है यहाँ पे log y माइनस log z पूरा लिखना जरूरी नहीं है फिर इस तरह से दोनों साइड क्या लगा दीजिए log लगा दीजिए बस तो मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा फिर प्लस हो जाएगा log x यहाँ कितना हो गया log y माइनस log z यहाँ पे एग्जाम एमसीक्यू आएगा पूरा स्टेप लिखना जरूरी नहीं है तीनों मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा बताइए प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा फिर पावर सामने आ जाएगा पावर कहाँ आ जाएगा बताइए लॉग वाई माइनस लॉग जेड इंटू कितना आएगा फिर सब में वैसे ही आएगा इस तरह से एग्जाम में पूरा सॉल्व नहीं है फिर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा लॉग एक्स इंटू कितना हो जाएगा लॉग वाई माइनस log z into कितना आएगा log x लास्ट में सब कट जाएगा लास्ट में क्या होगा सब एक में x एक प्लस में आएगा एक माइनस में आएगा फिर एक प्लस में आएगा फिर एक माइनस में आएगा एक प्लस में आएगा एक माइनस में आएगा तो सब कट के लास्ट में कितना बचेगा जीरो बचेगा मतलब जीरो मतलब क्या हो जाएगा log 1 जीरो मतलब क्या हो जाएगा log 1 तो उसके बाद log यहाँ पे कितना log a था अब टेकिंग एंटी log taking anti log तो anti log लेंगे तो log हट जाएगा तो a इसका कितना आएगा फिर वन आंसर आएगा anti log लेंगे तो log तो a क्या हो जाएगा वो कैंसिल हो जाएगा मतलब एग्जाम में आपको देखिए एमसीक्यू आएगा तो एमसीक्यू है आपका एग्जाम में ठीक है ना तो पूरा लिखोगे फायदा नहीं है ये पूरा लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पे फिर तीनों प्लस होगा फिर पावर सामने आएगा फिर मल्टीप्लाई होगा तो एक प्लस में आएगा एक माइनस में आएगा एक प्लस में आएगा एक माइनस में आएगा एक प्लस में आएगा एक माइनस में आएगा तो जीरो आ गया तो जीरो मतलब क्या हो गया लॉग वन हो गया तो लॉग ए का लॉग वन है तो ए कितना हो गया वन हो गया अगर आपको आंसर याद रहे तो एग्जाम में आंसर डायरेक्ट लिख दीजिएगा बस सिंपल है इस टाइप का जो भी सम होगा ना उसका आंसर वन ही आएगा ठीक है 32 नंबर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करिए इसके बाद वाला क्वेश्चन कौन सा सेम क्वेश्चन है वो भी ये भी आपको ऐसे ही है ये भी क्या रहेगा आपका ऐसे सेम है ए ले लीजिएगा फिर पावर सामने आ जाएगा फिर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा ठीक है देखिए थर्टी वन है ओल्ड बुक में
लॉग एक्स है ना यहाँ पे, लॉग हो गया अंदर बोलिए। वह परीक्षिता इसके बाद ये नेक्स्ट तो 23 नंबर में क्वेश्चन क्या आपका सेम है, होमवर्क रहेगा। और 24 25 एक जैसा क्वेश्चन, एक हम करा देते हैं आपको, 25 हम करा देते हैं, ठीक है। 25 नंबर ओल्ड बुक में 34 नंबर क्वेश्चन है, ये हम करा देते हैं। और 24 आप लोग करके आइएगा, ये 25 नंबर देखिए। देखिए यहाँ पे 23 लॉग कितना बताया यहाँ पे, 16 बाई 15 प्लस 17 लॉग कितना बताइए, 25 24 10 लॉग कितना 81/80, ठीक है। तो सब क्या हो जाएगा, देखिए माइनस हो जाएगा यहाँ पे, तो 23। तो इसको ऐसे कर सकते हैं, देखिए हेलो, इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, देखिए इसको ऐसे कर सकते हैं, लॉग इसको ऐसे कर सकते हैं, लॉग 16/15 पावर कितना आ गया 23 और चलाइए, ठीक है, प्लस लॉग 25/24 पावर कितना हो गया 17 प्लस लॉग पावर कितना हो गया 10, ठीक है। फिर इसके बाद तीनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तीनों क्या हो जाएगा बताइए, लॉग 16/15 23 इंटू 25/24 17 इंटू 3 क्या हो जाएगा, उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, समझ गया। अब मल्टीप्लाई होगा उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, 16 में कितना 2/4 और 15 कितना हो गया 3/5 और कितना हो गया बताइए 23, 20 कितना हो गया 5 स्क्वायर और 24 कितना हो गया 2/3 2³/3 17 और 81 का बताइए 3/4 2 पावर कितना हो गया बताइए 4/5 पावर कितना हो गया 10, समझ गया था। ये पावर में चला गया 23, 17 पावर में चला गया, 10 पावर में चला गया, तीनों क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो कितना का देखिए आप, लॉग 2/4 × 23 2/4 × 23 कितना हो गया 2/92 और यहाँ पे 5 पावर 34 यहाँ पे कितना 3 पावर 40 और नीचे क्या हो जाएगा देखिए 4 × 23 2 × 17 4 × 10 3 × 3 पावर 23 5 पावर 23 और 3 × 17 51 3 पावर 17 2/40 5 पावर 10, ठीक है।
इसके बाद देखिए log 92 माइनस हो जाएगा 51, ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा माइनस 5 पावर कितना 34 माइनस 23 माइनस 10 और 3 पावर 40 माइनस 23 माइनस 70 तो लॉग कितना आ गया बताइए 2 पावर 1 5 पावर 1 और 3 पूरा कैंसिल हो गया 3 पावर क्या हो गया आपका पूरा कैंसिल हो गया log 2 into 5 into 1 log 10 अब बेस कितना है 10 तो आंसर क्या हो गया इसका 1 देख लीजिए कहां पे डाउट है हो गया सबको हो गया सबको हेलो बाद देखिए नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये आपका होमवर्क रहेगा 24 नंबर इसके बाद देखिए 26 नंबर सिंपल क्वेश्चन ट्राई करिए आप लोग चलिए 26 ओल्ड बुक में है 35 नंबर 26 27 ट्राई करिए आप लोग हम 2 मिनट दे रहे हैं 26 के लिए 2 मिनट और 3 मिनट दे रहे हैं 27 के लिए 5 मिनट दे रहे हैं टोटल सॉल्व कर दो क्वेश्चन ना 26 27
27 26 नंबर वन बाय टू लॉग कितना बताए यहाँ पे 25 लॉग कितना यहाँ पे 9 18 ये क्या हो जाएगा लॉग 5 स्क्वायर हो गए और ये हाफ ऊपर चला गया ठीक है ना बोलिए तो 2 कैंसिल हो गया और सब क्या हो जाएगा में लॉग 5 प्लस वाला क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई अब माइनस वाला क्या हो जाएगा डिवाइड जो प्लस में वो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई और जो माइनस में वो क्या हो जाएगा डिवाइड 90/9 लॉग 10 और बेस कितना है बेस 10 है तो आंसर कितना हो गया अपन बोलिए डाउट इसमें हेलो बोलिए अंकित शर्मा इप्सिता प्रांजल साक्षी इसके बाद देखिए नेक्स्ट न्यू बुक में है देखिए 27 ओल्ड बुक में है 36 देखिए 27 देखिए यहाँ कितना देखिए लॉग रूट कितना है 27 प्लस कितना लॉग 8 प्लस कितना लॉग 1000 और डिवाइड बाय कितना है बताइए डिवाइड बाय कितना है लॉग 120 तो इसको ऐसे सकते हैं आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर में लॉग रूट 27 इंटू 8 इंटू 1000 और नीचे कितना है 120 ठीक है लॉग 27 वाले कितना हो गया बताइए 27 3 पावर क्यूब हो गया और 8 कितना 2 पावर क्यूब ये 3 पावर क्यूब और ये 2 पावर क्यूब और ये कितना हो गया बताइए एट स्क्वायर हो जाएगा अंदर जाएगा ना तो ये क्या हो जाएगा तो ये रूट के अंदर जाएगा तो 8 स्क्वायर हो जाएगा लॉग 8 है वहाँ पे ध्यान दीजिए हाँ 8 स्क्वायर हो जाएगा मतलब कितना हो गया फिर 8 स्क्वायर मतलब 64 हो गया 64 मतलब कितना हो गया बताइए फिर 4 का क्यूब हो जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा यहाँ पे हेलो रूट के अंदर जाएगा ना यहाँ पे तो 8 स्क्वायर हो जाएगा मतलब 64 हो गया यहाँ पे समझ गए मतलब कितना हो गया बताइए फिर 64 हो गया मतलब कितना हो गया बताइए फिर तो कितना देखिए फिर तो 64 हो गया यहाँ पे मतलब 4 क्यूब हो जाएगा यहाँ कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 क्यूब हो जाएगा यहाँ पे और डिवाइड में कितना बताइए फिर समझ गए 4 क्यूब हो जाएगा यहाँ पे 8 रूट के अंदर स्क्वायर हो जाएगा 8 अगर रूट के अंदर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा वो इसके बाद देखिए फिर कितना आएगा लॉग कितना हो गया 3 × 4 कितना हो गया बताइए 12 × 10 = 120 पावर 3 रूट हटेगा तो क्या आएगा बताइए रूट हटेगा कितना आएगा बाय 2 आएगा लॉग कितना हो गया बताइए डिवाइड बाय 3/2 सामने आ जाएगा फिर लॉग 120 बाय कितना हो गया लॉग कैंसिल हो गया
आंसर कितना आ गया इसका? ठीक है, समझे कैसे करना है? यहाँ पे देखिए 3 है 4 है 10 है, 3 × 4 = 12 × 10 = 120 हो गया। पावर सब में 3 है 3 आ गया पावर, और रूट हटेगा तो बाई 2 हो जाएगा, रूट हटेगा तो क्या हो जाएगा, बाई 2 हो जाएगा। समझ गया तुम्हें? ठीक है, इसके बाद देखिए 37, ओल्ड बुक में 37, न्यू बुक में कितना है 28। रूट का मतलब क्या होता है? रूट का मतलब बाय टू कहाँ सा है, जैसे रूट अगर रूट है मान लीजिए एक्स, तो एक्स के बाद कितना होता है इसका मतलब, और मेरे नहीं होता है। हेलो, जैसे रूट 27 है, 8 है, 1000 है, तो सब मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8 को रूट के अंदर जाए तो 8 स्क्वायर हो जाएगा, 8 अगर रूट के अंदर जाए तो क्या हो जाएगा, 8 स्क्वायर हो जाएगा, 64 हो गया वो। ठीक है, तो 4 का क्यूब हो गया और 3 क्यूब हो गया, 10 क्यूब हो गया, सब में पावर क्यूब है, 3 कॉमन आ गया पावर में, और रूट हटेगा तो बाय 2 आ जाएगा, रूट हटेगा तो बाय 2 नहीं आ जाएगा, फिर 120 120 कैंसिल हो जाएगा, 3/2 कैंसिल हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा, देखिए 28 कितना है, लॉग लॉग 6 फिर 6 6, इस तरह से कहाँ तक बढ़ गया, कहाँ तक बढ़ी, इनफिनिट तक है। ऐसे होगा देखिए इसमें लेट इसको एक्स ले लीजिए, ठीक है, अब स्क्वायरिंग को साइड स्क्वायर कर दीजिए तो रूट हट जाएगा, 6 √6 √6। कल कौन सा स्क्वायर हटेगा, फर्स्ट वाला स्क्वायर हटेगा, कौन सा रूट हटेगा बताइए, फर्स्ट में रूट वो हट जाएगा, 6 हो गया यहाँ पे, और ये पूरा क्या है बताइए, पूरा क्या है, एक्स है, तो 6x हो गया एक्स स्क्वायर, तो एक्स कितना आएगा बताइए, फिर 6x 6x इज टू एक्स स्क्वायर है, एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स कितना बचेगा, 6, एक्स कितना बचेगा बताइए, फिर 6, ठीक है। हेलो, तो 6x कितना कर दीजिए यहाँ पे, एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स कितना आ जाएगा फिर, तो एक्स कितना आ जाएगा फिर, 6 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया आपका एक्स, तो एक्स कितना हो गया, 6। अब क्वेश्चन क्या हो गया बताइए, आपका लॉग 6 6, क्वेश्चन क्या हो गया बताइए, लॉग 6 था पहले से, तो आंसर कितना हो गया इसका, 1। समझ गए कैसे करना है, थर्ड सेवन नंबर, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, हो गया था, इसके बाद देखिए नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, ओल्ड बुक में है 38, देखिए ओल्ड बुक में है 29, ओल्ड बुक में 38, न्यू बुक में 29, देखिए 29 नंबर देखिए यहाँ पे कितना देखिए, ए कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है लॉग एक्स
वाई जेड, अब भी दिया है लॉग वाई जेड एक्स, और सी दिया हुआ है लॉग जेड एक्स वाई। अब वन डिवाइड बाई कितना बता यहाँ पे, वन प्लस ए, वन डिवाइड बाई वन प्लस बी, वन डिवाइड बाई वन प्लस सी। एक का वैल्यू कितना बताइए, पुट करते एक का वैल्यू, एक का वैल्यू कितना बताइए, देखिए एक का वैल्यू कितना है, वन डिवाइड बाई वन प्लस लॉग एक्स। वैसे सब में पुट कर दीजिए, सब में पुट कर दीजिए, लॉग वाई जेड एक्स लॉग जेड एक्स वाई, सब में पुट कर दीजिए, ठीक है। अब इसके बाद देखिए नीचे भी सबका बेस अलग है, तो इन डिनोमिनेटर पुट करिए, वन इजकल टू क्या करिए, लॉग एक्स एक्स, इसमें एक्स बेस से एक्स रखिएगा, इसमें बेस कितना बताइए, इसमें बेस कितना वन है, इसमें बेस कितना रखिएगा, लॉग वाई वाई रखिएगा, इसमें बेस जेड है, इसमें कितना रखिएगा, लॉग जेड जेड रखिएगा नीचे में। हाँ तो फायदा क्या होगा देखिए, इससे वन बाय वन प्लस वन के क्या रखिए, लॉग एक्स एक्स और लॉग एक्स वाई, वैसे समय करिए, और एग्जाम में पूरा मत लिखिएगा, खाली एक स्टेप सॉल्व करिएगा, दूसरा वैसे ही हो जाएगा। हाँ यहाँ कितना हो जाएगा, लॉग वाई वाई, एग्जाम में तीनों स्टेप सॉल्व मत करिएगा, लॉग वाई जेड एक्स, यहाँ पे वन बाई लॉग जेड जेड प्लस लॉग जेड एक्स वाई। अब ये ऊपर जाएगा कितना आएगा बताइए, फिर यहाँ आ जाएगा लॉग एक्स एक्स वाई जेड, यहाँ कितना आएगा, वन बाई लॉग वाई एक्स वाई जेड, यहाँ पे कितना आएगा, वन बाई लॉग जेड एक्स वाई जेड। फिर इसके बाद बेस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा पावर, उल्टा हो जाएगा, ये लॉग एक्स वाई जेड एक्स, इसका कितना आएगा, लॉग एक्स वाई जेड वाई, इसका कितना आएगा, लॉग एक्स वाई जेड। अब तीनों क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में, तीनों क्या हो जाएगा आपस में, तो कितना आएगा फिर, लॉग एक्स वाई जेड एक्स वाई एक्स वाई जेड। अब तीनों दोनों सेम हो गए, तो आंसर कितना आ गया इसका, वन, दोनों सेम हो गए तो आंसर कितना आ गया, ये भी एक्स वाई जेड ऊपर भी एक्स वाई जेड दोनों सेम है, फॉर्मूला नहीं था कि अगर लॉग ए ए रहेगा तो आंसर कितना होता है इसका, वन, पहला फॉर्मूला समझ गया, देख लीजिए बराबर है। बोलिए हेलो, ठीक है ना, तो देखिए इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30 भी सेम क्वेश्चन होगा, मुझे लगा थर्टी नंबर सेम क्वेश्चन है, या वन की जगह लॉग ए रखिएगा, लॉग ए, या वन की जगह लॉग बी, या क्या लॉग की जगह
लॉग सी सी, तो वैसे हो जाएगा सेम बनाए नंबर जैसा आंसर बनाया इसका भी। 31 नंबर देखिए, 31 32 33 34 चार सौ में 31 नंबर देखिए, ओल्ड बुक में है 31 नंबर। आपको लॉग वन प्लस ए सी, क्या फाइंड करना आपको लॉग वन प्लस ए सी। थर्टी वन नंबर देखिए, ए बी सी दिया हुआ है, तीन नंबर है, फाइंड क्या करना है लॉग वन प्लस ए सी। ए बी सी तीन नंबर है, थ्री थ्री कंसेक्यूटिव, तो कंसेक्यूटिव क्या होता है बताइए, तो हैंड्स क्या हो जाएगा, एबीसी तीन नंबर, तीनों के आपस में कंसेक्यूटिव है, तो हैंस क्या हो जाएगा, बीच कट क्या हो जाएगा बताइए, वन प्लस ए। अब बी क्या हो जाएगा बताइए, ए प्लस वन बोल सकते हैं, कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है बताइए, बोलिए कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है बताइए, कि तीनों नंबर कंटिन्यूअस है, जैसे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इस तरह से है, मतलब बीच का कितना हो गया ए प्लस वन, जैसे 4, 5, 6 इस तरह से, ठीक है ना, तो बीच का कितना हो गया ए प्लस वन, और सी कितना हो जाएगा बताइए, सी कितना हो जाएगा बताइए, ए प्लस टू कंसेक्यूटिव है ना। आप लाना क्या देखिए, लॉग वन प्लस लॉग वन प्लस ए स्क्वायर प्लस टू ए, लॉग वन प्लस ए होल स्क्वायर, टू सामने आ जाएगा, फिर कितना आएगा बताइए, टू लॉग, तो टू लॉग बी, ठीक है। हो गया तो देख लीजिए आप लोग, एबीसी कंसेक्यूटिव नंबर है, तो ए स्क्वायर बीच का क्या हो गया ए प्लस वन, सी क्या हो गया ए प्लस टू, अब ए का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो वन प्लस ए स्क्वायर प्लस टू ए हो गया, तो ए वन प्लस ए होल स्क्वायर हो गया, तो पावर सामने आएगा टू लॉग वन प्लस ए, लॉग वन प्लस ए का वैल्यू, वन प्लस ए का वैल्यू कितना है पी, तो टू लॉग बी हो गया आंसर, समझ गए। इसके बाद देखिए, इसके बाद देखिए, इसके बाद देखिए नेक्स्ट 32 नंबर ओल्ड बुक में है 42, यहाँ पे देखिए कितना है लॉग ए बाय बी माइनस सी, लॉग बी बाय कितना है सी माइनस ए, और लॉग सी बाय कितना है यहाँ पे ए माइनस बी, इसको टू क्या ले लीजिए, के ले लीजिए इसको, ठीक है इसको के ले लीजिए, तो लॉग ए कितना हो जाएगा बताइए, फिर के इंटू बी माइनस सी,
और लॉग भी कितना आ जाएगा, के इंटू सी माइनस ए, और लॉग सी कितना आ जाएगा, के इंटू ए माइनस बी। अब तीनों प्लस करेंगे तो क्या आएगा बताइए, फिर लॉग ए प्लस लॉग बी, तो के कॉमन आ जाएगा, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, तो सब कट जाएगा, तो के इंटू क्या हो जाएगा, जीरो, मतलब जीरो। और यहाँ कितना हो गया, लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी, यहाँ कितना हो गया, लॉग ए बी सी, ठीक है। अब जीरो का मतलब कितना हो गया, मतलब जीरो की जगह पे लॉग वन, अब एंटी लॉग ले लीजिए, तो ए बी सी कितना हो जाएगा बताइए, फिर समझ गया, एंटी लॉग ले लीजिए तो ए बी सी कितना हो जाएगा वन, ठीक है, देख लीजिए, लॉग ए बाय बी माइनस सी, लॉग बी बाय सी माइनस ए, लॉग बी बाय सी माइनस ए, लॉग सी बाय ए माइनस बी, ठीक है, कितना आएगा बताइए, उसके बाद तीनों ऐड कर दीजिए, लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी, तो के इंटू बी माइनस सी, सी माइनस ए, ए माइनस बी, तो के इंटू जीरो, जीरो आंसर आ गया, तो लॉग ए बी सी कितना हो गया, लॉग वन, तो ए बी सी कितना हो गया, वन आंसर आ गया, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए इसके बाद थर्टी सेवन क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क रहेगा। थर्टी फोर नंबर देखिए, कोल्ड बुक में कितना है, फोर्टी फाइव नंबर बुक में है। थर्टी फोर नंबर देखिए, लॉग एक्स बाय कितना है यहाँ पे, बी माइनस सी, लॉग वाई बाय कितना है, सी माइनस ए, लॉग जेड बाय कितना है, ए माइनस बी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसका भी कह लीजिए के, तो लॉग ए कितना आएगा बताइए, देखिए लॉग क्या हो जाएगा, के इंटू बी माइनस सी, और लॉग वाई कितना, के इंटू सी माइनस ए, और लॉग जेड कितना जाएगा बताइए, के इंटू ए माइनस बी, ठीक है। अब उसके बाद फिर क्या करिए, तीनों को ऐड कर दीजिए, नहीं नहीं क्वेश्चन क्या है, एक्स पावर कितना लिखे हैं, एक्स पावर बी प्लस सी, वाई पावर कितना है, सी प्लस ए, और जेड पावर कितना है, ए प्लस बी, इसका लू क्या लीजिए, पी, और लॉग ये दोनों साइड, लॉग ये दोनों साइड, लॉग लेंगे अगर दोनों साइड
लॉग, एक लॉग लॉग एक्स पढ़ते हैं अभी, बोलिए। अगर आप लॉग लेंगे दोनों साइड, लॉग लेंगे तो लॉग यहाँ कितना है, लॉग एक्स पावर कितना है यहाँ पे, बी प्लस सी इंटू वाई पावर कितना है, सी प्लस ए, यहाँ कितना आएगा लॉग पी, तो बी प्लस सी लॉग एक्स बी प्लस सी प्लस आ जाएगा यहाँ पे लॉग वाई सी प्लस ए लॉग जेड, अब पावर सामने आ जाएगा बी प्लस सी लॉग एक्स सी प्लस ए लॉग वाई ए प्लस बी लॉग जेड बी प्लस सी। अब लॉग एक्स वैल्यू कितना बताइए, लॉग एक्स वैल्यू कितना देगी, लॉग एक्स वैल्यू के इंटू बी माइनस सी, के इंटू ऐसे सबका आ जाएगा। आंसर क्या आने वाला समझ में आ गया आपको, आंसर आने वाला है जीरो, सब कटने वाला है, सी माइनस ए प्लस बी ए। अब के कॉमन आ गया, के क्या क्या बताइए आपका, अब बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस, सब कटने वाला है ये, के इंटू जीरो जीरो आ गया, मतलब लॉग वन हो गया। तो पी कितना हो गया बताइए फिर, वन आंसर। ठीक है तब इसके बाद देखिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन है ओल्ड बुक में 49 नंबर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इसका कितना दिया हुआ है 7 ए बी, तो फाइंड क्या करना, वैल्यू ऑफ लॉग ए प्लस बी बाई 3। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना दिया 7 ए बी, तो फाइंड क्या करना आपको, लॉग ए प्लस बी बाई 3। तो कैसे करेंगे देखिए, तो पहले क्या करिएगा, इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे आपको स्क्वायर में लाना पड़ेगा, तो स्क्वायर में कैसे लाएंगे, तो एडिंग करिए 2ab बोथ साइड, 2ab क्यों ऐड कर रहे हैं बताइए, स्क्वायर में लाने के लिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यहाँ 7ab प्लस 2ab, तो ये कितना हो गया a प्लस b होल स्क्वायर, और यहाँ कितना हो गया बताइए 9ab, समझ गया स्क्वायर में लाने के लिए, स्क्वायर में लाने के लिए हम दोनों साइड क्या कर रहे हैं, टू भी ऐड कर रहे हैं, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर हो गया, और यहाँ कितना हो गया 9 ए बी हो गया। अब 9 को इधर डिवाइड कर दीजिए, ए प्लस बी होल स्क्वायर बाय 9 कितना हो गया बताइए ए बी, अब 9 को क्या ले सकते हैं 3 स्क्वायर, 9 को क्या ले सकते हैं, 9 को क्या ले सकते हैं बताइए, ए प्लस बी होल स्क्वायर डिवाइड बाई 3 स्क्वायर ए बी हो गया। ठीक है, तो यहाँ कितना आएगा फिर ए प्लस बी बाई 3 होल स्क्वायर ए बी हो गया। अब टेकिंग लॉग, दोनों से क्या लीजिए, लॉग लीजिए
तू समझा ले लो। अब ये टू इधर डिवाइड हो जाएगा, समझ कैसे करना है देख ली बराबर इसमें आपको। ठीक है इसके बाद देखिए बाकी होम ऑल होमवर्क रहेगा आप लोग का। ठीक है तो कल को डाउट होगा तो कल डाउट पूछ लीजिएगा सेम टाइम, और न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा मंडे को। ठीक है तो जो भी होमवर्क दिए हैं आप लोग सब बना के लीजिएगा, और जो डाउट होगा पूछ लीजिएगा आप लोग, और नया चैप्टर कब स्टार्ट होगा मंडे को स्टार्ट होगा सेम टाइम।